कुछ पाने की हो आस आस कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार मैं भूपेश आनंद दोस्तों एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हो गया हूँ और मैं ग्रेट मॉर्निंग एक बार दोबारा से आपके लिए लिख रहा हूँ और आपके लिए भगवान से प्रार्थना मांग रहा हूँ कि आपको अच्छी बुद्धि दे और आप लाइफ में आगे सक्सेस अचीव करें और अपने सपने और हमारे देश के सपने सारे पूरे करें। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज हम लास्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। बेटे लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का ये लेक्चर नंबर 6 है जो बेटे मैं शुरू कर रहा हूं। आज लास्ट लेक्चर है बेटे। बेटे फेस टू फेस में कोई 4-5 लेक्चर नहीं लेता बेटे, यूट्यूब के लेक्चर वीडियो 6 ले रहे हैं बेटे, एक एक क्वेश्चन कराया बेटे, एक एक क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर, बात समझ लेंगे कि आज के लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, भगवान से कुछ मांगूंगा और आप भी 1-2 मिनट के लिए सुनेंगे और फिर आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 करेंगे और लास्ट में एक बार रिवीजन करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स की और पेपर में क्या करके जाना चाहिए उसको देखेंगे। तो बेटे आइए हम शुरू कर रहे हैं कहानी किस्मत की। आइए आइए शुरू करते हैं, एक बार भगवान को याद कर लेते हैं बेटे। ध्यान से सुनिएगा बेटे, ओम जय जगदीश। कितनी मन में शांति मिलती है बेटे। बेटे आप हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे। हम सब इंसान है बेटे और हम सब में एक ही तरह का खून बह रहा है। और बेटे कितनी शांति मिलती है और जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेकर भगवान को स्मरण करके हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं ना बेटे, मैं मानता हूं कि आपको ज्यादा समझ आता है। तो बेटे आज की क्लास हम यहीं पे शुरू करेंगे। एक छोटी सी बात लिखना चाहूंगा, मैंने एक कोटेशन पेज नंबर 422, अगर आप अपनी पेज का खोलें बुक का, पेज 422 है बेटे, बड़ी अच्छी कोटेशन। मैं ऐसी पन्ने पलट रहा था तो मैंने देखा कि मैंने एक कोटेशन बड़ी अच्छी लगी। क्या लिखा हुआ बेटे, आकाश
आकाश की तरफ देखिए, उसमें लिखा है आकाश की तरफ देखिए, आपको ऊपर आसमान में देखना है, हम अकेले नहीं हैं। वहां से आपको लगेगा कि आप अकेले नहीं हो, आकाश की तरफ देखो, आपको दिखेगा कि आप अकेले नहीं हैं, सारा 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 ब्रह्मांड, हाय राम, सारा ब्रह्मांड हमारे हमारे लिए अनुकूल है, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है मेरे बेटे। और तीसरी बात तो बड़ी प्यारी लिखी है, जो सपने देखते हैं, इसका मतलब सपने देखना बहुत कीमती है, जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, बेटे मेहनत करनी भी बहुत ही जरूरी है, और मेहनत करते हैं, जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं, उन्हें उन्हें ये कायनात फल जरूर देती है, ये कायनात फल जरूर देती है। बेटे बहुत ही बढ़िया बात लिखी है, कहते हैं जी आकाश की तरफ अगर आप देखते हैं तो आपको दिखेगा आप अकेले नहीं हो, और भी बहुत लोग ऊपर हैं जो आप जैसे ही हैं, और वो सब आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बेटे बेटे वो मदद करने के लिए तैयार है, आपको तत्पर देने मदद करने के लिए रेडी है। और जो सपने देखते हैं बेटे, जो सपने देखते हैं और उसको पाने के लिए मेहनत करते हैं बेटे, लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सबको बड़े बड़े सपने देखने चाहिए बेटे, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए बेटे। सपने देखने में कोई टैक्स तो है ही नहीं बेटे, बहुत फायदा होता है सपने देखने से, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए मेरे बेटे। मैंने भी बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, मैंने अब अपना सपना देखा है कि मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होगा, मैक्सिमम फाइनेंस की डिग्री हासिल करने वाला भूपेश आनंद, मैं आने वाले कुछ महीनों में अपना नाम दाखिल कर दूंगा बेटे, मेरा ये सपना है बेटे। कहते हैं जब बड़े बड़े सपने देखते हैं और उसके साथ साथ मेहनत करते हैं, तो बेटे ये पूरी कायनात, ये पूरा संसार, ये पूरा कॉस्मिक, ये पूरा पूरा ये कार्मिक रूल आपकी मदद करता है, और आपको वो चीज दे देता है, आपको वो मिल जाता है, आपको वो मिल जाता है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। तो बेटे आइए, आपको जिद करनी है बस, जिद्दी बन जाना है, जिद्दी जिद्दी बस बेटे, जिद्दी जब बन गए ना आप, तो समझ लीजिएगा, समझ लीजिएगा दोस्तों, आपको वो चीज मिल जाएगी। जिद्दी भिखारी बनिए और मेहनत कीजिए उसके लिए। तो लेक्चर नंबर 6 के लिए मैं आज स्टार्ट करूंगा, मैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करूंगा। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर मैंने लिखा है कंसेप्ट नंबर 11, उसमें लिखा हुआ है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसमें लिखा हुआ है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। तो इस क्वेश्चन में बेटे, ये क्वेश्चन आपकी स्टडी का है, स्टडी इलस्ट्रेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगता है कि आपको लास्ट लाइन अगर आप देखें तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ही बनानी है। इसका हमने एक क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5 में कर लिया है, वैसे थोड़ा सा आप भूल चुके होंगे, मैंने बताया था लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जब आप बनाएंगे, तो बेटे एक तरफ हम रखेंगे रिसिट्स ऑफ कैश, और बेटे दूसरी तरफ रखेंगे, देखो मैंने पेमेंट वाला घड़ा थोड़ा सा बड़ा बनाया है, पेमेंट्स ऑफ कैश, एक तरफ लिखेंगे रिसिट्स ऑफ कैश और दूसरी तरफ रखेंगे पेमेंट्स ऑफ कैश
बेटा लास्ट में ये टैली कर जाएगा। अब बेटा रिसीट्स ऑफ कैश क्या क्या हो सकती है, ये बात मैंने लास्ट क्लास में भी बताई थी, फिर भी बताऊंगा। बेटा सबसे पहले मैं लिखूंगा टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम, टू कैश कलेक्टेड फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड। बेटे हम पहले वहां पर लिखेंगे जो नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड है, फिर टू सरप्लस, फिर बेटे यहां सरप्लस लिखेंगे सरप्लस रिसीव्ड फॉर सिक्योर्ड एसेट्स। उसके बाद बेटे अगर कोई कॉल सी ले रही रहूंगी तो वो जरूर लिखेंगे कि हमें पैसे मिल गए। और उसके बाद बेटे टू कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो बेटे यहां सबसे पहले हम लिक्विडेशन एक्सपेंसेस लिखेंगे, लीगल चार्जेस कुछ हैं बेटे वो लिखेंगे, लिक्विडेटर की रेमुनरेशन लिखेंगे। और आपको मालूम है बेटा लिक्विडेशन की जो रेमुनरेशन होती है उसमें हल्का सा पॉइंट होता है, कई बार वो एसेट्स के ऊपर कहता है, कई बार वो लाइबिलिटीज के ऊपर कहता है, कई बार दोनों के ऊपर कहता है। फिर यहां पर बेटे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स लिखेंगे, यहां पर बाय डिबेंचर होल्डर्स लिखेंगे, फिर यहां पर डिबेंचर होल्डर्स के बाद बेटे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स लिखेंगे, फिर बाय प्रेफरेंशियल कैपिटल और बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अगर बैलेंस होगा, और लास्ट में बेटे टैली करेंगे, इसी को बोलते हैं लिक्विडेटर्स फाइनल 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 स्टेटमेंट ऑफ। बेटे आराम से मैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को पढ़ने जा रहा हूं, आप सब ईमानदारी से अपने सामने बुक रखें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पेज नंबर 444, क्वेश्चन फोर्थ है बेटे, पेज 444 है मेरे बच्चे। द पोजीशन ऑफ अ कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन इज एज अंडर। तो कह रहा जी एक कंपनी की लिक्विडेशन के समय ये पोजीशन है, उसकी ये पोजीशन है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है, ये बिकी है, ये ऐसे है, ये ऐसे 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 ऐसे। वगैरह ये इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर्स 7,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच 30 पर शेयर पेड अप, 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 50 ईच 30 रुपीज पर शेयर पेड अप। तो इस कंपनी की इक्विटी शेयर्स को अगर आप ध्यान से देखें तो दो तरह के हैं बेटे, एक की फेस वैल्यू 100 रुपए है और दूसरे की फेस वैल्यू 50 रुपए है। यहां से भी 30 रुपए मंगाए और यहां से भी 30 रुपए मंगाए। कॉल्स इन एरियर 20,000, अंडरलाइन कर दीजिए बेटे, कॉल्स इन एरियर से पैसे मंगा लेंगे और कॉल्स इन एडवांस को दे देंगे। बेटे 20,000 मंगा लेंगे, 17,000 दे देंगे, यही काम तो लिक्विडेटर का है, न्याय करने का। न्याय प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड्स आर इन एरियर फॉर 1 ईयर, अंडरलाइन कर दीजिए। वो कह रहा है जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो यहां बैठे थे, जो मैंने नहीं लिखे मैं लिख रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए के ऊपर 10% का प्रेफरेंस डिविडेंड जो देना था 50,000 रुपए का, ये नहीं दिया, इसका मतलब देना है, देना है, हाँ देना है। अमाउंट लेफ्ट विद लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग द लाइबिलिटीज, वो कहता है जी लिक्विडेटर ने एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस कर दी, पे कर दी, और कितने पैसे बच गए, 8,27,000 रुपये बच गए। लिक्विडेटर ने एसेट्स में से लाइबिलिटीज की पेमेंट कर दी और 8,27,000 बच गए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर इन प्रायोरिटी,
टू रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये कह रहा है बेटा आर्टिकल्स जो है ओए जो है कंपनी के, वो ये कहते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल को देने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं बेटे, आराम से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कोई जल्दी तो है ही नहीं ना बेटे, कोई जल्दी नहीं है बेटे, आराम से पढ़ लीजिए, कोई घबराने की बात ही नहीं है ना जी। बेटे आराम से देखेंगे और मैं कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, आराम से आप पहले उस नोट्स को लिख लेंगे, भले वो पेपर में नहीं लिखने, घर के लिए बेटे। जब मैं लिखता हूँ ना नोट, तो बेटे ये घर में लिखने के लिए होते हैं, जब मैं लिखूंगा वर्किंग नोट तो पेपर में लिखना है। तो नोट नंबर वन, अभी समझ नहीं भी आएगा कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं है, एक बात कहनी है, व्हाइल प्रिपेयरिंग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट, व्हाइल प्रिपेयरिंग लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। सरप्लस लेफ्ट बेटे पोस्ट में अगले अलग पेज में लिखूंगा, पहले हमें लिख दीजिए पॉसिबिलिटी वन, और बेटे पॉसिबिलिटी टू, बेटे मैं लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी वन, पॉसिबिलिटी वन, बेटे नोट वन टू कह देता हूं इसको, पॉसिबिलिटी वन का मतलब क्या है, सरप्लस एग्जिस्ट आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और बेटे प्रेफरेंशियल कैपिटल, और अगर डिविडेंड है तो प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को देने से पहले सरप्लस आ गया, मतलब आपने रिसिट साइड में सब कुछ लिख दिया, पेमेंट्स में भी सब कुछ लिख दिया, बस इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिखा, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल की अभी पेमेंट करनी बाकी है और सरप्लस आ गया, मैं उसको कह रहा हूं सरप्लस आ गया, मतलब कुछ पैसे हैं जो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे सकते हैं, ठीक है जी, ये पॉसिबिलिटी वन है। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द अमाउंट, बेटे समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं है, अभी पहले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद समझाऊंगा, लिखने के लिए बता रहा हूं बेटे, टू कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड टू डिफरेंट क्लासेस, टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैविंग डिफरेंट फेस वैल्यूज। आराम से बैठे, अभी बैठे जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
अभी खाली नोट कर ले, अभी मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो समझाऊंगा जो मैंने क्या लिखा है, ठीक है जी। इसी तरह से नोट नंबर 3 में लिख लें, इन केस ऑफ डेफिशिएंसी एंड देयर इज रिक्वायरमेंट एंड देयर इज रिक्वायरमेंट टू कॉल एंड देयर इज रिक्वायरमेंट टू कॉल funds from contributories that is equity holders having different paid up slash face values Then, मैंने जैसे लिखा देन प्रिपेयर अ सेपरेट वर्किंग नोट फॉर द कैलकुलेशन। एक बच्चा कहता पता नहीं क्या मास्टर ने फ्रेंच लैंग्वेज लिखवाई है, पता नहीं क्या लिखवा रहा है। बेटा मैंने कहा ना आपको इतने ज्यादा आप समझदार ना बनो, बेटे चलाकी गई चूल्हे में। मैंने कहा आप मानो कि ये जर्मन लैंग्वेज है, नोट 1 नोट 2 नोट 3 एक बार लिख तो लो ना बेटे, एक बार लिख तो लो बेटे, मैं समझाऊंगा ना। अभी नहीं समझा रहा, अभी जब क्वेश्चन में जब आएगा तो समझाऊंगा। बेटे मैंने अभी लोहा को गर्म कर दिया है बेटे, क्वेश्चन करते करते आपके दिमाग में आएगा कि नोट 1 नोट 2 नोट 3 क्यों ही नहीं क्यों लिखवाए या कहां यूज है। और जब समय आएगा मैं लगातार चोट मारूंगा गर्म लोहे में, ये चोट, और बेटे आपका डायरेक्शन ही बदल जाएगा। मैं बेटे ठंडे लोहे में चोट नहीं मारूंगा, मैं गरम लोहे में चोट मारूंगा। इसीलिए लिखवा दिया है, समझाया नहीं है। मैं तो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, आओ मेरे बेटे मेहरबान कदरदान, करते हैं शुरू लेक्चर 6 की कहानी किस्मत की। तो मैंने लिख दिया जी, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं बेटे। यहां लिख रहे हैं लिक्विडेटर ने क्या क्या रिसीव किया, पेमेंट्स ऑफ कैश लिक्विडेटर ने क्या क्या रिसीव किया, रिसीट्स ऑफ कैश एंड पेमेंट्स ऑफ कैश। बेटे आंसर तो नीचे लिखा ही हुआ है, फिर भी क्यों करा रहा हूं, क्योंकि बेटे मैं लाइव कराकर आपको ये दिखाना चाहता हूं कि आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, शुरू कहां से करना है, एंड कहां होगा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आज मैं विजय माल्या का एक वीडियो भी दिखाऊंगा बेटे, विजय माल्या इंडिया छोड़कर भाग गया, भगोड़ा है वो भगोड़ा। आज किंगफिशर एयरलाइन की लिक्विडेशन होगी, खत्म हो जाएगी कंपनी विजय माल्या की। बेटे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, रिसीप्ट ऑफ कैश एंड पेमेंट ऑफ कैश। अब देखिए जी, पहली बात मैं जो शुरू कर रहा हूं वो लिखा हुआ है 5,010% preference shares। मैं क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से करना शुरू करूंगा और एंड तक जाऊंगा। तो पहली चीज जो दी हुई है वो ये है 5,010% preference shares of ₹100 each फुली पेड अप। इसका मतलब मुझे पता है कि मुझे preference shares को कैपिटल देनी होती है और मैं
पहले किसकी पेमेंट करता हूं? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की, फिर लीगल चार्जेस की, फिर लिक्विडेटर रेमुनरेशन की, उसके बाद प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की, फिर किसकी करता हूं? डिवेंचर होल्डर्स की, डिवेंचर्स की, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की, और फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल की। बेटे मैं तो कहता हूं आप लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का पहले मुसम्मिया छीन दो। तो मैं साफ सुथरा अलग पेज में बना देता हूँ, यहाँ पे कम पड़ गई, छोटी जगह पड़ गई। आप बेटे पहले मौसमियों को छील दो, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा, मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। बेटे थोड़ी सी मेहनत मेरे साथ कर लो, मैं ग्रुप टू क्लियर करा दूंगा और प्रोफेशनल लेवल में F1 पढ़ाऊंगा आपको। बेटे मेरे दो ही तो सब्जेक्ट हैं, बेटे दो ही हैं, बेटे कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बेटे आओ बेटे पहले फॉर्मेट बना दे, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, बाय लीगल चार्जेस इफ एनी, बाय लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, बाय डिबेंचर्स, बाय अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बाय प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। एक बच्चा कहता पता नहीं कब खत्म होगा ये मास्टर, बाय बाय लिखता जा रहा है। हाँ बेटे अभी खत्म होने ही वाला, बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। और बेटे टू कैश रिसीव फ्रॉम एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेज्ड टू सरप्लस। बेटा सरप्लस किससे? जो एसेट सिक्योर्ड थे। टू कॉल्स इन एरियर, बेटे कॉल्स इन एरियर किससे? जिन्होंने नहीं दिए। टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, अगर डेफिशिएंसी आ गई तो बेटे कॉन्ट्रीब्यूटरीज का बैलेंस लेना पड़ेगा। और बेटे अगर कॉल्स इन एडवांस हो तो बेटे उनको भी पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी। अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में रोटी खानी पड़ेगी। कॉल्स इन एडवांस आया तो पेमेंट्स, कॉल्स इन एरियर आया तो रिसिट्स। बेटे ये मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्वाजी जुडिशियल पावर्स आ जाती है। मेरे बेटे आइए, मेहरबान कदरदान आइए, मैं शुरू करता हूं अपनी कहानी किस्मत की। प्रेफरेंशियल्स बेटे मैंने लिख दिया 5 लाख रुपए। मैंने कहा जी इक्विटी शेयर कैपिटल को छोड़कर सब कुछ लिख दो, इक्विटी शेयर कैपिटल को छोड़कर सब कुछ लिख दो। एक बच्चा कहता इक्विटी को क्यों छोड़ दो? मैंने कहा बेटे उनको पेमेंट लास्ट में होती है ना, तो बैलेंस देखना पड़ेगा ना कि हमारे पास है भी या नहीं। तो बेटे उसका वर्किंग नोट बनाओ और उसको मेन में मत लिखो, बाकी सब कुछ मेन में लिखो। ओके साहब। तो बेटे दूसरी चीज है, मैं वर्किंग नोट लिख रहा हूं बेटे, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने लिख दिया, एक तो शेयर ₹100 का है फेस वैल्यू, और एक शेयर ₹50 का है फेस वैल्यू। टाइप 1 इक्विटी शेयर्स और टाइप 2 इक्विटी शेयर्स। बेटे ये 7,000 है ₹30 पेड अप, और ये 6,000 है ₹30 पेड अप। तो बेटे ये है 2,10,000, और बेटे ये है 1,80,000। आराम से, कोई टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। इसका मतलब टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है बेटे? 2,10,000 प्लस
1,80,000, ये बेटे 3,90,000, ये लो 3,90,000, 3,90,000, 3,90,000। तो बेटे मैंने आपके सामने 3,90,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल का लिख दिया। अभी देखेंगे इसको क्या करना है। कॉल्स इन एरियर मंगवा लो, मंगवा लो 20,000। हम ये मानेंगे कि लिक्विडेटर ने नोटिस भेजा है और उसको पैसे देने पड़ेंगे। और बेटे 17,000 की पेमेंट कर दो एडवांस में, किसी व्यक्ति ने पैसे दे दिए। प्रेफरेंस डिविडेंड आर इन एरियर फॉर 1 ईयर। और नीचे लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड को प्रायोरिटी दो। अब बेटे मैं वर्किंग नोट 2 बना देता हूं और फिर बताऊंगा कि अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है। बेटे 10% इंटू 5,00,000 रुपए। बेटे 50,000 रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड है जो देना है। बेटे ये प्रेफरेंशियल कैपिटल है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट है और बेटे हमेशा डिविडेंड रेट कैपिटल के ऊपर होता है। तो ये बेटे 50,000 रुपए मैंने यहां लिख दिया जी 50,000 रुपीज। आराम से बैलेंस लेफ्ट विद द लिक्विडेटर आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑल लायबिलिटीज इज, बेटे इन सब का 8,27,000 का टोटल है। किस किस की पेमेंट कर दी, इसकी कर दी, इसकी कर दी, इसकी कर दी, वो कह रहा है हमने सबकी पेमेंट कर दी है तो कोई बात ही नहीं, इसको नील कर दीजिए, नील नील अच्छी बात है। अब पता चला लिखने का फायदा होता है बेटे, हमें समझ आया था कौन सी चीज कहां लिखनी है और जूस बड़ी जल्दी निकलता है। लास्ट रह गया जी बस कि वो कह रहा है जी आपको बस ये बताना है कि कितने पैसे बच गए और आप इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कॉन्ट्रीब्यूटरी पहले देख लेते हैं बेटे, ये सरप्लस का केस है या अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, कुछ है ही नहीं। तो बेटे इसका टोटल देखेंगे ना कितना है और इसका टोटल देखेंगे कितना है। 8,27,000 + 20, तो बेटे ये आ गया 8,47,000, 8,47,000। अब बेटे यहां देख लेते हैं हमें पेमेंट कितनी करनी है, 5,00,000 ये, 50,000 ये और 17,000 ये, बेटे 5,67,000। इसका मतलब मेरे पास बैलेंस जो है वो कितना है, बेटे 2,80,000 रुपए। तो मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 3, बैलेंस अवेलेबल, सरप्लस बैलेंस अवेलेबल विद लिक्विडेटर, सरप्लस बैलेंस अवेलेबल विद लिक्विडेटर आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बट एक्सेप्ट इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे 2,80,000 रुपए का सरप्लस बचा है जो मुझे किसको बांटना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। आराम से बेटे, अभी मैंने इक्विटी को बांटा नहीं है बेटा, इक्विटी को तो लास्ट में बांटते हैं ना, इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि पता नहीं पैसे है नहीं है, तो लास्ट में कैलकुलेट करके देखते हैं कि उनको कितने पैसे देने हैं। तो बेटे 2,80,000 रुपए मैंने लिखा, 2,80,000 रुपए मेरे पास बच गए हैं।
अब मुझे किस किस को देने हैं बेटे? इन लोगों को देने हैं, ये देखो 2,80,000 मेरे पास बच गए, उसमें इनको देने और इनको देने। अब सवाल आता है कैसे दें, बोलिएगा आप। कुछ शेयर्स 50 पेड अप हैं और कुछ शेयर्स 50 फेस वैल्यू पे हैं और कुछ शेयर्स 100 रुपए फेस वैल्यू पे हैं, तो बेटे इनको कंपेयर करना ही बड़ा मुश्किल सा है। तो या तो सारे 50-50 रुपए के हों तब तो बात समझ आती है, या सारे 100-100 के हों तब भी बात समझ आती है। बेटे पांचवीं क्लास के बच्चे हो तब तो कंपेयर कर सकते हैं, पांचवीं के भी हैं, सिक्स के भी हैं, मैं कैसे सबकी नॉलेज को कंपेयर करूंगा? तो मैं यहां पर यही बात बताने जा रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 3 में, एज देयर आर टू क्लासेस ऑफ इक्विटी शेयर्स, हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट ऑल डिफरेंट क्लासेस इंटू वन क्लास। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 7,000 फेस वैल्यू 100 वाले, क्या मैं कह सकता हूं 14,000 फेस वैल्यू 50 वाले भी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और उसके बाद 6,000 फेस वैल्यू 50 रुपए के, क्या बेटे ये तो 6,000 के बराबर ही होंगे फेस वैल्यू 50 रुपए के? आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। यहां 13,000 शेयर्स थे, वहां 20,000 हो गए। एक बच्चा कहता पता नहीं कैसे हो गए बेटे, 7,100 रुपए के थे, 6,050 के थे। तो मैं कैसे, मेरे को पता चले मैं किसको कितना दूं? तो मैंने कहा सारे पहले एक लाइन में आ जाओ। मैंने कहा 7,000 जो 100 वाले थे उनको 7,000 को मैंने 14,050 वाले मान लिया, तो टोटल शेयर्स कितने होंगे? 20,000। अब मुझे क्या करना है, मुझे बांटना है 2,80,000 रुपए को 20,000 इक्विटी शेयर्स में बांटना है। तो बेटे ए बेटे बेटे रुपीज 14 पर शेयर मेरे कैलकुलेटर से आ गया, रुपीज 14 पर शेयर मेरे कैलकुलेटर से आ गया। तो बेटे जो 7,000 शेयर्स थे जिनको हमने 14,000 बना दिया था, उनको 14 रुपए के हिसाब से पेमेंट करेंगे, और जो 6,000 थे उनको भी 14 के हिसाब से करेंगे। तो बेटे कैसे आया, 14,000 इंटू 14 बेटे 1,96,000, तो उनको दे दिया, और 84,000 उनको दे दिया, और बेटे ये आ गया जी 2,80,000। 2,80,000 ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने कर दी आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। एक बच्चा कहता है सर मास्टर समझ तो सब आ गए लेकिन ये लास्ट में जो तूने जुगाड़ किया ना ये समझ नहीं आया, बताओ। पहले बेटे 2,80,000 लिख दो, फिर बताता हूँ बेटे, दोबारा रिपीट कर दूंगा, ये लो 8,47,000 आ गया, खत्म। बेटे सीएस की स्टडी मटेरियल की इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने कराने की कोशिश की है, आराम से लिख ले, टेंशन ना ले, बंदा हाजिर है बेटे सेवा में, मैं बताऊंगा बेटे, सारे लेक्चर्स अपलोड करूंगा बेटे,